गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का पवन के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ मानचित्र, और मानचित्र भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना तो मत भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कौन सा मानचित्र आज भरने वाले हैं। और मानचित्र रहेगा आपका ब्रिटेन के रेखा मानचित्र में लोहा और कोयला उत्पादन क्षेत्र आपको बताना है। लोहा और कोयला जब भी बात आती है तो उनका स्थान एक ही जगह से दो चीजें जो है निकलती हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के रेखा, ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन जो उस समय जो है अब बन गया है ग्रेट ब्रिटेन चार देशों को मिलाकर, ठीक है। पहले इंग्लैंड हुआ करता था, ये इंग्लैंड था, ये स्कॉटलैंड है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है और वेल्स, इन चारों को मिलाकर जो ग्रेट ब्रिटेन जो बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है, क्लियर है। तो ये मानचित्र आपको विशेष स्तर पर जो है वो बताया जाएगा और उसमें आपने ये चीजें भरनी है। लेकिन डिस्क्रिप्शन के तौर पर आपको ये लिखना होगा कि कम से कम इतने शब्द लिखने पड़ेंगे, तभी आपके पूरे पांच नंबर जो आ पाएंगे। कैसे कि किसी भी देश में अगर औद्योगिक क्रांति की बात करें या संभव हुई, तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो है आपको मालूम 18वीं शताब्दी में कहां आई थी, ये इंग्लैंड ही पहला देश था विश्व का जहां पर औद्योगिक क्रांति हुई थी। उसके पीछे दो बहुत सारे कारण थे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं और वो क्या होता है, कोयला और लोहा। जिन देशों ये उपलब्ध मात्रा में थे, काफी मात्रा में इंग्लैंड के पास था, अपनी ही खाने थी, ठीक है। अब इसके महत्व को देखते हुए, कोयला और लोहे को महत्व को देखते हुए, इसे क्या कहा जाता, काला सोना। कोयले को क्या कहा जाता, काला सोना। और उद्योगों की जननी जो लोहे को कहा जाता है, क्योंकि लोहा से ही मशीनें तैयार होंगी तभी उद्योग स्थापित होंगे। तो भाई ये दो का महत्व ये रहा। फिर अब बात करते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, उसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक विधि जिन्होंने जो नई नई खोजें की और नए नए आविष्कार किए, उनमें सबसे पहला नाम आता है अब्राहम डर्बी प्रथम। अब्राहम डर्बी प्रथम का जो स्थान या नाम आता है, वो आता है कि इन्होंने कोयले से कोक का इजाद किया, निकाला, आविष्कार किया। कोक क्या था कि कोयले का शुद्ध रूप था और अधिक जो है वो अग्नि जो है प्रज्वलित करता था, अधिक जो है वो एनर्जी देता है। उससे क्या था कि अब लोहा पहले से ज्यादा अच्छा, उसकी ज्यादा अशुद्धियां जो है बाहर निकाली गई और वो अच्छा लोहा बना। उसके बेटे द्वितीय अब्राहम डर्बी द्वितीय, अब्राहम डर्बी द्वितीय ने क्या किया कि उसने जो है ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाया। अब ऐसा लोहा ईजाद किया जिससे पीट पीट कर जो है उसको शेप दी जा सकती थी, वो टूटता नहीं था। फिर तीसरे जो है उनके भी बेटे हुए, जिनका नाम था अब्राहम डर्बी तृतीय। इन्होंने क्या किया, अभी सेवर नदी जो है इंग्लैंड में पड़ती है, 1779 में जो है उन्होंने क्या किया, वहां पर एक पुल बनाया। किसका, लोहे का, पहला पूरे विश्व में पहला लोहे का पुल ईजाद किया किसने, अब्राहम डर्बी तृतीय ने। और उस गांव का नाम उस समय था कुल ब्रुकलैंड, अब उसको जो है आयरन ब्रिज के नाम से जो है विख्यात हुआ। ये तीन व्यक्ति हुए। अब इसके बाद जो है हेनरी कोट का, सॉरी जॉन विलिंगटन की बात कर लेते हैं। जॉन जो विलिंगटन है, इनको जाना जाता है कि इन्होंने 1776 ईस्वी में जो है एक जो स्टीम इंजन बनाया था जेम्स वॉट ने, उसका प्रयोग उसने जो धमन भट्टी में किया, ठीक है। उसे और भी आग जो है तेज हुई, उसका इस्तेमाल किया और इससे क्या हुआ कि और भी अच्छा जो है लोहा जो है वो तैयार हुआ। इसके अलावा लोहे की कुर्सियां बनाना, पाइपें बनाना, टंकियां बनाना, ये भी काम किसने किया, ये भी जॉन विलिंगटन के द्वारा हुआ। अब जॉन विलिंगटन के बाद जो है बात कर लेते हैं हेनरी कोट की। हेनरी कोट ने क्या किया, ये 1784 ईस्वी में इसने जो है एक ऐसी भट्टी बनाई जिसे क्या कहा, आलोडन भट्टी, इसका आविष्कार किया। और इसका क्या था, इसके द्वारा जो है अधिक शुद्ध और अच्छा लोहा जो है बनाना संभव हुआ। हेनरी बेसेमर की बात करें तो हेनरी बेसेमर जो है ये ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है 1815 ईस्वी में जो है वो सेल्फी लैब, शायद ये मैं थोड़ा सा, हेनरी बेसेमर वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है 1856 ईस्वी में जो है लोहे का जो शुद्ध रूप था, शुद्ध रूप क्या होता है भाई, इस्पात, आज की डेट में तो इस्पात को ईजाद करने वाले जो है वो हेनरी बेसेमर थे, याद रखना 1856, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको जानते हैं कि इस्पात से ही हल्का, इस्पात जो लोहे से क्या होता है, हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है, उसे हवाई जहाज तक जो है बनाए गए थे शुरू में, अब और भी इसको जो रिफाइंड कर दिया गया है। तो भाई इस तरह से ये इन लोगों के द्वारा आविष्कार किए जाने के कारण भी यहाँ पर औद्योगिक प्रगति जो है हुई या क्रांति हुई। अब बात कर लेते हैं कि इस मानचित्र को आपने कैसे दर्शाना है। इस तरह का मानचित्र आपका रहेगा
और वो जगह जो आपको बतानी होगी उनके नाम आपको याद करना होंगे, स्कॉटलैंड, न्यूकैसल्स, लीड्स, यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, लिवरपूल या सेफील्ड, वर्मिंगम, लंदन, ब्रिस्टल्स, वेल्स तथा लंकाशायर। ठीक है, एक एक करके। अब देखिए बड़ा इजी है, बहुत आसान, एक तो छोटा सा जगह है, छोटा सा देश है, इसलिए बड़े इजी होगा भरने के लिए। अगर हम बात करें, देखिए मैंने पिछले मानचित्र में आपको बताया था ये जो है इंग्लैंड है आपका, ठीक है, ये आपका इंग्लैंड है, यहाँ से ऊपर स्कॉटलैंड पड़ता है, ये आपका जो है नॉर्दर्न आयरलैंड है और इसको काट दें तो ये आपका वेल्स हुआ। क्लियर हो गया जी। अब चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में अगर देखें तो ये आंख बन जाती है, यहाँ पे लगाऊंगा तो जैसे ये सिर है तो ये आंख बन जाती है, तो यहाँ पर रखिए या यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, कहीं भी लगाइए आप जो है एक तरह से, एक दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दीजिए। ठीक है जी, तो ये तीनों क्षेत्र क्या है, यहाँ से लोहा मिलता है, कोयला मिलता है, लेकिन कहाँ है ये है स्कॉटलैंड पे। अब बात करते हैं स्कॉटलैंड से नीचे आते हैं और इंग्लैंड में बात करते हैं कहाँ कहाँ क्या मिलता है। तो इंग्लैंड में देखेंगे ये दो नदियाँ हैं और ये यहाँ पर आकर जो है वो मिल जाते हैं, उत्तरी सागर में जो है चले जाती है, एक यहाँ भी और यहाँ भी कट छोटा सा है, तो ये छोटा सा कट है यहीं पर आप जो पहला निशान जो लगाना है और ये जो नया निशान है वो है न्यूकैसल, याद रखना है ये न्यूकैसल। क्लियर हो गया जी। न्यूकैसल के बाद अब हम चलेंगे इस तरफ को, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर दो जो है ये भी नदियाँ जो है वो जाके जो है आयरिश चैनल में चले जाती हैं, तो यहाँ से दूसरे नंबर पर आता है, यहाँ पे आपने निशान लगाना है और इस जगह का नाम है लिवरपूल, याद रखना लिवरपूल। पहले हमने लगाया न्यूकैसल, यहाँ लिवरपूल, लिवरपूल से ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर, याद रखना इसके बिल्कुल इस साइड को जो है यहाँ पर लंकाशायर। ठीक है जी, जितना इनके बीच में दूरी उतना ही आपने इस तरफ को बढ़ना है और यहाँ पे निशान लगाना है और इस जगह का नाम जो है वो है मैनचेस्टर। क्या नाम है? मैनचेस्टर। अब यहाँ से जो है आपने इन दोनों के बीच में जगह रही करें, जितना यहाँ से है उतना ही आगे आपने बढ़ना है और ये चौथा निशान लगेगा, एक तरह से पतंग की जो है सेल बनेगी। इस जगह का नाम है लीड्स। ठीक है, लीड्स कैसे कैसे, ये क्या है आपका लिवरपूल, ये क्या लंकाशायर, ये क्या है मैनचेस्टर और यह है लीड्स। पतंग बनेगी, पतंग के पीछे एक पूंछ भी होती है, तो इस पूंछ को जो है कहा जाएगा यॉर्कशायर। ठीक है, यॉर्कशायर याद रखना। अब इसके बाद जो है अगर आप देखेंगे इसको और इस हिस्से को अगर हम जो है हाफ कर दें तो हाफ यहां पर पड़ता है और इस जगह का नाम है सेफील्ड, भूल गया था सेफील्ड। ठीक है, इस जगह का नाम क्या, आधा किया और सेफील्ड। अब इसके बाद जो है हम चलेंगे नीचे की तरफ, ये सेफील्ड हो गया। अब चलते हैं लंदन जो है जो इंग्लैंड की राजधानी है, देखेंगे आप यहाँ पर जो है ये जो नदी है जिसको थीम्स नदी कहा जाता है, इस नदी के ही साथ यहाँ जैसे जो है जितना यहाँ से इतना और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो ये आपका बड़ा आपका लंदन। ठीक है जी, राजधानी जो है इसकी जो ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन। अब जो है लंदन और यहाँ पर ये क्या किया था लिवरपूल, लंदन और लिवरपूल का अगर आधा कर दिया जाए तो आधे से थोड़ा सा नीचे की तरफ हमने करना है और इस जगह का नाम जो है था बर्मिंगम। यस, याद आ गया बर्मिंगम। तो बर्मिंगम कैसे किया मैंने, जो लिवरपूल था और जो लंदन था उसका आधा किया, आधे से थोड़ा सा नीचे किया तो ये आ गया बर्मिंगम। बर्मिंगम के बाद जो है अब देखेंगे ये अगर काट दें तो ये वेल्स इस साइड को रह जाता और यहाँ पे जो है अगर देखेंगे यहाँ जैसे जो है आपने लगाना ये ब्रिस्टल पड़ा, ये ब्रिस्टल पड़ा और ब्रिस्टल से इस साइड को ये वेल्स पड़ता, तो वेल्स का केवल यही निशान लगाना है तो वेल्स। ठीक है, ब्रिस्टल या वेल्स, एक बार फिर से पुनः दोहरा लेते हैं, ये जो है तीनों के तीनों जगह स्कॉटलैंड आया, एक दो और तीन, यहाँ पर इससे यहाँ पर पहला जो निशान लगा वो किसका लगा था, साथ साथ बोना था कि आपको याद जो है हो जाएगा, यह न्यूकैसल, बिल्कुल सही। उसके बाद हमने क्या लगाया यहाँ पर, चलिए नाम साथ साथ करते रहते हैं तब आपको ठीक रहेगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे स्कॉटलैंड, बिल्कुल सही है स्कॉटलैंड और तीनों ही जगह स्कॉटलैंड की है। यहाँ पर जो जगह का नाम है न्यूकैसल, ठीक है, फिर आए थे हम यहाँ पर, इस जगह का नाम था लिवरपूल, बिल्कुल सही बोला, इस जगह का नाम क्या है लंकाशायर, बिल्कुल ठीक है, लंकाशायर के बाद इस जगह का नाम क्या है मैनचेस्टर, बिल्कुल सही है, मैनचेस्टर के बाद इस जगह का नाम क्या है लीड्स, बिल्कुल ठीक है, पतंग बन गई। अब इसके बाद इसकी पूंछ आएगी, इस जगह का नाम क्या है यॉर्कशायर, यॉर्कशायर, ठीक है, फिर हमने किया यहाँ पर, इस जगह का नाम क्या है, यस सेफील्ड, सेफील्ड के बाद हम कहाँ गए थे, यस सेफील्ड, सेफील्ड के बाद हम आ गए थे लंदन में, तो इस जगह का नाम लंदन जो राजधानी है, फिर लंदन की राजधानी हमने लिवरपूल और लंदन का हाफ किया था और इस जगह का नाम जो था वो था ब्रिस्टल, सॉरी ब्रिस्टल नहीं बर्मिंगम, यस,
और यहां था ब्रिस्टल जिसकी मैच बात कर रहा हूं, और ब्रिस्टल के बाद यहां क्या था, वेल्स। तो ये जगहें थी या ये स्थान थे जहां पर लोहा और कोयला उत्पादन क्षेत्र जो है वो मिलते थे। अभी भी आपको बहुत सारी चीजें जो करनी होंगी, जैसे कि इसका नाम जो है, देश का नाम क्या है, वो है इंग्लैंड, तो आप लिखेंगे इंग्लैंड, क्लियर हो गया। इसके अलावा अब जो है सागर रह जाते हैं, जैसे कि अभी एक और है, ये क्या है, आयरलैंड है, ठीक है जी, और सॉरी उत्तरी अटलांटिक सागर। इसके बाद जो है यहां पर आएंगे, ये उत्तरी अटलांटिक याद रखना, और ये है उत्तरी सागर। यहां पर अगर बात करें तो ये है आयरिश सागर, और इसके बीच में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो चैनल है इसके कहते हैं इंग्लिश चैनल, क्लियर हो गया, इंग्लिश चैनल। और इस जगह का नाम है आयरलैंड, देश का नाम है आयरलैंड, और यहाँ फ्रांस पड़ा, क्लियर है। तो ये होगा सारी जगहों के नाम। अब हमने करना है कि एक बॉक्स आपको दिया होगा, इस तरह का होगा, दो तीन बॉक्स होंगे जिसमें पहला ही बॉक्स आप करेंगे, और जैसा निशान आपने, मैंने यहाँ त्रिभुज का आकार का किया तो आपने त्रिभुज आकार का, आपने गोला किया है तो आपने गोला आकार, यहाँ पर कोई भी जो निशान है वो करना है, ठीक है। और इसके जरिए हमने क्या बताया, हमने बताया कि ये लोहा और कोयला उत्पादन क्षेत्र है, या ब्रिटेन के लोहा और कोयला उत्पादन क्षेत्र है, और इस तरह से आपका पूरा काम जो है हो जाता है मानचित्र का। आप लोग मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।